नंबर 11 देखते हैं, यहाँ भी हमें x का मान बताना है। अच्छा देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, मैं यहाँ पे दोनों तरफ 15 से इसलिए गुना करूंगा क्योंकि दोनों का एलसीएम 15 होता है और आसानी से मैं काट पाऊंगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। दोनों तरफ 15 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 × x − 2/5 इंटू में 15 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 − x/3 इंटू में 15। यहाँ से काट सकते हैं इसको 3 बार में, इसको काट सकते हैं 5 बार में। यहाँ देखो 3 × 3 = 9 इंटू में x − 2 इज लेस देन इक्वल टू 25 ब्रैकेट में 2 − x। चलिए अब इसमें इंटू करते हैं, यह हो जाएगा 9x और माइनस का 18, इना हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू, इसमें गुना करते हैं तो 50 − 25x, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद बनाते हैं, दोनों तरफ 18 जोड़ने पर 18 जोड़ते हैं, ठीक है, 9x − 18 + 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 − 25x + 18, 18 यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9x इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 68 हो जाएगा माइनस का 25x। दोनों तरफ 25x जोड़ने पर, चलिए 25x जोड़ने का काम करते हैं, 9x + 25x इज लेस देन इक्वल टू 68 − 25x + 25x, ये कट जाएगा, 25 में 9 जोड़ देते हैं तो आपका 34 हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू 68। दोनों तरफ क्या करेंगे, 34 से भाग करते हैं, दोनों तरफ 34 से भाग देने पर, चलिए 34 से भाग दे के देखते हैं क्या आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 34x/34 इज लेस देन इक्वल टू 68/34, ये तो 2 बार में यहाँ कट गया, तो x का वैल्यू 2 या 2 के बराबर होगा, 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा, यानी कि 2 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा और 2 के बराबर, यही ना हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।